मार्बल के ऊपर 3D टेक्सचर देखो दोस्तों कितनी प्यारी लग रही है। ये टेक्सचर बनाने के लिए हमने एक्रिलिक वॉल पुट्टी ले ली है। देखिए दोस्तों तीन हिस्से में एक्रिलिक वॉल पुट्टी ली है, देखिए तीन जगह पे हमने वॉल पुट्टी ले ली है। फिर इसके अंदर पानी मिला है, थोड़ा सा पानी मिला है, थोड़ा सा मुलायम हो जाए इसके लिए दोस्तों, और हाथों से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है इस पानी को। देखो दोस्तों दूसरे वाले भी हमको इस तरह से मिक्स किया, तीनों को इस पानी से मिक्स कर लेना है। फिर हमने ये बन सेना स्टेनर मिलाया है एक हिस्से को, और दूसरे हिस्से को हमने FY ग्रीन मिलाया है। देखो दोस्तों इसी तरह मैं मिला रहा हूँ, बिल्कुल इसी तरह से आपको मिलाना है, और एक हिस्सा आपको वाइट रखना है। देखो इसी तरह फिर ये पत्रे से हमने ग्रीन उठाया, फिर बन सेना, फिर ये वाइट उठाया, फिर इस तरह से जैसे सांप चलता है बिल्कुल इसी तरह दीवार पे लहरा देना है। देखिए वाइट, ग्रीन और बन सेना, और इसको इस तरह से लहराना है जैसे उसके सांप चलता है, बिल्कुल इसी तरह से आपको लहराते हुए आगे बढ़ जाना है, और डिज़ाइन बोले तो अपने आप ही निकल आएगी दोस्तों। देखिए दोस्तों इसको है ना टचवुड लग जाने के बाद बहुत ही शानदार एकदम मार्बल इफेक्ट आएगा। अभी तो आपको लगेगा कि यह क्या टेक्सचर बन रहा है। देखो दोस्तों हमने 220 नंबर का सैंडिंग पेपर ले लिया है, और इस तरह से हमने हल्का हल्के हाथों से घिस दिया है। आपको भी बिल्कुल इसी प्रकार हाथों से घिसते हुए आगे बढ़ जाना है, पूरी दीवार को अच्छी तरह से ऐसे घिस देना है जैसे पूरा मुलायम हो जाए दोस्तों। इसी तरह जैसे मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ बिल्कुल इसी प्रकार आपको भी घिसना है, फिर आपको सूखे बरस से साफ कर लेना है। 15 इंची आड़े में लेने का 12 इंची सीधा में, और इधर भी 15 आएगा और ये 12 इंची आएगा बराबर। फिर यहाँ से ये और यहाँ से 2.5 इंची, यहाँ से 2.5 इंची, यहाँ से भी 2.5 इंची, और यहाँ से भी 2.5 इंची, और ये यहाँ से भी 2.5 इंची। ये चौरस हो गया, ये चौरस हो जाने के बाद जो कोना बचा वहां से 1 इंची, इधर भी 1 इंची, यहाँ भी 1 इंची, और यहाँ से 1 इंच। इसके बाद इस तरह से काट देने का, इधर काटने का, इधर से काटने का, इधर काटने का, ये काट लेने का, यहाँ से काट लेने का, सीधा काट लेगा, सीधा काट लेना। फिर ये निकल आया, देखा आपका ये फार्मूला है। तो बिल्कुल इसी प्रकार आपने फार्मूला को काट लेना है, फिर एक मार्कर पेन लेना है, फिर इसके अंदर इस तरह से मार्किंग कर लेना है जैसे मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ, बिल्कुल इसी तरह से मार्किंग करना है। फिर थोड़ा साइड पे भी मार्किंग लगा देना है ताकि आप ये फार्मूला वहाँ से वापस शुरू कर सके। देखिए इस तरह से बीच में आपको इस तरह से मार्किंग कर लेना है, चारों ओर इस तरह से मार्किंग कर लेना है, फिर नीचे ऊपर और साइड पे भी मार्किंग थोड़ा टच कर देना है, ठीक, ताकि जहाँ पे टच किया वहाँ पे वापस फार्मूला रख के इस तरह से आपको कर देना है जैसे मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ, बिल्कुल इसी प्रकार करते हुए आगे बढ़ जाना है। फिर जब आप ये पूरा मार्किंग हो जाए तो जहाँ पे आपने डॉट मार्किंग लगाया था उसको पेपर से घिस देना है। देखो इस तरह से आपको मार्किंग करते हुए आगे बढ़ जाना है। बहुत ही आसान है इस टेक्सचर को बनाना, लेकिन ये जितनी आसान है अगर टेक्सचर तैयार हो जाएगी तो उतनी ही शानदार और खतरनाक टेक्सचर लगेगी दोस्तों। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें दोस्तों। फिर हमने ये ब्लैक वाला ऑयल पेंट ले लिया है, चाहे तो आप वाटर में भी कलर ले सकता है, आप चाहे तो वाटर बेस में ब्लैक कलर ले सकते हैं या ग्रे कलर भी ले सकते हैं, मैंने ये ब्लैक कलर लिया है। देखो दोस्तों जैसे मैं दिखा रहा हूँ बिल्कुल इसी तरह से ब्रश से इस तरह से ब्लैक कलर को कटिंग कर लेना है दोस्तों। बारी बारी सारे खाने जैसे आपने मार्कर पेन से बनाए सारे खाने में इस तरह से ब्लैक कलर लगाते हुए आगे बढ़ जाना है दोस्तों।
हमने ये टचवुड ले लिया है। देखिए दोस्तों, एक लीटर टचवुड के अंदर आप 100 से 200 ml तक आप टर्पेंटाइन मिला सकते हैं। फिर ये एप्लीकेशन रोलर से हमने इस तरह से पूरी दीवार को टचवुड लगा दिया है। टचवुड लगाते ही जो मार्बल इफेक्ट था ना, वो खिल के सामने आ रहा है। बिना टचवुड के वो छुपा जैसा लग रहा था। जैसे आप टचवुड लगाओगे तो पूरा मार्बल इफेक्ट डार्क हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जैसे दिखा रहा हूँ मैं, बिल्कुल इसी प्रकार आपको भी करते हुए आगे बढ़ना है। और डिज़ाइन बोले तो अपने आप ही निकल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, अभी बहुत समय के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप मुझे इस तरह से सपोर्ट करते रहे तो मैं हर रोज़ एक एक वीडियो, नई वीडियो लाने की कोशिश जरूर करूँगा दोस्तों। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें दोस्तों। देखिए दोस्तों, जैसे मैं दिखा रहा हूँ बिल्कुल इसी तरह से आपको कर लेना है दोस्तों। फिर ये हमने प्लास्टिक ले लिया है, प्लास्टिक का टुकड़ा है। जैसे हमारे जो पार्सल वगैरह जो आते हैं ना, उसको पैकिंग रखते हैं ना, पार्सल ख़राब ना हो, टूटे ना, इसके लिए जो पैकिंग आता है प्लास्टिक की थैली, वही मैंने प्लास्टिक की थैली ली है। उसको हमने तीन हिस्से में इस तरह से काट लिया है। देखिए दोस्तों, जैसे दिखा रहा हूँ बिल्कुल इस तरह। और एक हिस्सा हमने इस तरह से ले लिया है। और ये रॉयल प्ले सिल्वर है, एशियन पेंट का रॉयल प्ले सिल्वर कलर लिया है। और इस पन्नी को इस तरह से लेके हमने हल्के हल्के हाथों से ये ब्लैक वाले के ऊपर इस तरह से पंच कर लिया है। देखो दोस्तों, जैसे मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ बिल्कुल इसी तरह से आपको पंच करना है। देखो दोस्तों, पूरी वीडियो को देखना, वीडियो को थोड़ी सी भी आप स्किप मत करना, क्योंकि आज आपको बहुत ही शानदार और नई टेक्चर दिखाऊंगा। देखो दोस्तों, तो आप ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। कमेंट में ये जरूर बताना आगे आप किस प्रकार की टेक्चर सीखना चाहते हो या किस प्रकार की टेक्चर देखना चाहते हो, आप कमेंट जरूर करना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा दोस्तों। रॉयल प्ले गोल्ड, ये एशियन कंपनी का रॉयल प्ले गोल्ड है। रॉयल प्ले वो होता है जो टेक्चर बनाने वाला स्पेशल कलर आता है। देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने प्लास्टिक की पन्नी लेकर फिर से इस तरह से इसके ऊपर पंच कर दिया है। इसी तरह आपको भी करते हुए आगे बढ़ जाना है दोस्तों। हमने रॉयल प्ले कलर लिया है, रॉयल प्ले कॉपर। ये रॉयल प्ले कॉपर है कलर। और इस तरह से प्लास्टिक की पन्नी हमने फिर से ले ली है। और इसको भी हाँ, इस तरह से हमको आपको पंच कर लेना है। जैसे आप पहले हमने सिल्वर कलर लग पंच किया, फिर हमने गोल्ड कलर पंच किया, और लास्ट में हमने इस तरह से ये कॉपर कलर पंच कर रहे हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, बिल्कुल इसी प्रकार आपको भी करते हुए आगे बढ़ जाना है। जैसे मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ बिल्कुल इसी प्रकार आपको कॉपर कलर इस तरह से पंच करना है। और टेक्सचर बनाना बोले तो एकदम बच्चों का खेल है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जैसे मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ बिल्कुल इसी तरह आपको भी करते हुए आगे बढ़ जाना है दोस्तों। सब्सक्राइब माय चैनल दोस्तों, इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और जिस जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, क्योंकि हर रोज ऐसी वीडियो लाता रहूंगा दोस्तों। ब्लैक वाला स्प्रे ले लिया है। देखिए दोस्तों, जैसे फार्मूला काटा था उसको इस तरह से रखना है और ऊपर की ओर एल के साइज में इस तरह से आपको स्प्रे करना है। हल्के हल्के हाथों से स्प्रे करना है ताकि आपका हल्का हल्का थ्री लुक आने लगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये ब्लैक वाला स्प्रे है जो हर एक की दुकान में मिल जाएगा। जहाँ पर पेंट वगैरह मिलता है, हार्डवेयर की सामान मिलता है, वहाँ पर आपको इस तरह का स्प्रे मिल जाएगा दोस्तों। इसको आपको इस तरह से आपको एल साइज में इस तरह से हल्के हल्के हाथों से स्प्रे कर लेना है दोस्तों। जैसे मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ बिल्कुल इसी प्रकार
सब्सक्राइब माय चैनल। जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उसको मैं सही दिल से उसका शुक्रिया अदा करता हूँ, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई आपके भाई का चैनल है या आपका खुद का चैनल है तो इसको जल्दी से अभी सब्सक्राइब करो दोस्तों और सपोर्ट करो दोस्तों, ताकि इस तरह से आप हमें सपोर्ट करते रहेंगे। तो मैं बीच में तो वीडियो बहुत कम ला रहा था, लेकिन अभी मैं हर रोज़ वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो ही प्लीज़ 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 हर एक मेंबर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और इस बार हमने वाइट स्प्रे लिया है, वो नीचे की ओर जैसे एल साइज में लगाना, जैसे ऊपर की ओर जैसे एल साइज में लगाया वैसे ही नीचे की ओर अंदर की ओर इस तरह से आपको वाइट वाला स्प्रे कर देना है। जैसे मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ बिल्कुल इसी प्रकार आपको स्प्रे करते हुए चले जाना है दोस्तों। देखिए फिर से दिखाता हूँ, इस तरह से आपको स्प्रे करते हुए आगे बढ़ जाना है दोस्तों। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। इस दुनिया में अगर सबसे बड़ी कोई दौलत होती है तो वो होती है अपने माता पिता होते हैं दोस्तों। अपने माता पिता की आंखों में कभी भी आंसू ना आए इस बात का हमेशा ख्याल रखना दोस्तों। देखो दोस्तों फाइनल टेक्सचर हो जाने के बाद कितनी शानदार लग रही है दोस्तों। तो मेरे इस वीडियो को आप कोई जानते हैं पहचानने वाले कोई पेंटर है, अगर आपके कोई दोस्त लोग हैं तो उसको ज़रूर शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें, इंस्टाग्राम पे शेयर करें, ताकि मेरी ये वीडियो देख के कोई पेंटर भाई लोग अपने घर में टेक्चर बना सके और दो रोजी रोटी कमाने के लिए किसी घर में इस तरह की टेक्चर बना सकते हैं दोस्तों। मैं फ्री में और फोकट में इस प्रकार की टेक्चर सिखाने का वादा कर चुका हूं और हर एक पेंटर को इस प्रकार की मैं फ्री में टेक्सचर सिखाता रहूंगा दोस्तों। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।